दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले कई दिन से हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं पूरे देश के साथ साथ, और हरियाणा के 10 सांसद जो पिछली बार हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिए थे, या ये कहें कि मोदी रथ पर सवार होकर, मोदी लहर पर सवार होकर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। 10 के 10 सांसद भाजपा के चुनाव जीते थे। और मैं आपसे लगातार पिछले कई दिन से इस चर्चा में हूँ कि जब 2024 के अंदर अब लोकसभा का चुनाव दोबारा होगा तो हरियाणा की क्या स्थिति रह सकती है, हरियाणा के अंदर कैसा माहौल रहेगा, और जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे उन प्रत्याशियों की आज क्या स्थिति है, और इसके साथ साथ जो चुनाव हारे थे उनका क्या हालचाल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या जब टिकटें बंटेंगी लोकसभा के लिए तो उनके अंदर कोई बदलाव हो सकता है, पार्टियां टिकट बदल सकती हैं या कोई नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। मैंने आपसे पिछले दिनों जिक्र किया फरीदाबाद, करनाल और अंबाला लोकसभा का, और आज मैं आपके साथ मौजूद हूं सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर। आगे बढ़ने से पहले देखें इस विशेष रिपोर्ट को। सोनीपत ऐतिहासिक नगर है। 1520 की पूर्व नगर की स्थापना आर्यों द्वारा की गई थी। इसका नाम राजा सेन के नाम से सोनीपत पड़ा और बाद में महाभारत काल में सोनीपत को स्वर्ण प्रस्थ नाम से जाना जाने लगा। महाभारत में बताए गए 5 प्रस्थों में से एक इंद्रप्रस्थ है, जिसे युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगा था। दूसरी मान्यता के अनुसार राजा सेन इसके संस्थापक हैं, जो अर्जुन के 13वें वंशज माने जाते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तर में 43 किलोमीटर दूर सोनीपत शहर बसा हुआ है। सोनीपत जिले में गन्नौर, सोनीपत, खारकोंदा, गोहाना 4 उपमंडल शामिल हैं और 8 ब्लॉक गन्नौर, सोनीपत, राय, खरकौदा, गोहाना, कथूरा, मुरथल और मुंडलाना शामिल हैं। सोनीपत लोकसभा सीटों पर हमेशा से ही जाटों का दबदबा रहा है और अब तक हुए 11 चुनाव में से 9 बार जाट उम्मीदवार ही विजयी रहा है। 1977 से रोहतक से अलग होने के बाद सोनीपत अस्तित्व में आया और यह जाटलैंड के नाम से मशहूर हुआ। 2019 की बात करें तो लोकसभा सीट पर लगभग 16 लाख मतदाता थे। लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के इतिहास की बात करें तो साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जनता में रोष था। तभी जनता पार्टी के मुख्तियार सिंह मलिक ने कांग्रेस की सुभाषिनी को 2,80,233 वोटों से हरा दिया। साल 1980 के आम चुनाव में प्रदेश के कद्दावर नेता चौधरी देवीलाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई और देवीलाल जनता पार्टी समाजवादी का गठन कर इसी के टिकट पर सोनीपत से चुनाव में कांग्रेस के रणधीर सिंह मलिक को भारी मतों से हरा दिया। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद नया चेहरा धर्मपाल मलिक, जिन्होंने दलित मजदूर किसान के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौधरी देवीलाल को मामूली अंतर से हराकर हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया। साल 1989 में जब चुनाव हुए तो जनता दल के उम्मीदवार कपिल देव शास्त्री ने कांग्रेस के धर्मपाल मलिक को हराया। साल 1991 के चुनाव में धर्मपाल मलिक ने लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कपिल देव शास्त्री को हराकर अपनी पिछली हार का बदला भी ले लिया। 1996 में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा ने समता पार्टी के उम्मीदवार दिग्गज नेता जगराम को हराकर सभी को चौंका दिया। साल 1998 के चुनाव हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय पार्टी के किशन सिंह सांगवान, चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी के उम्मीदवार बने और अभय राम दहिया को हरा दिया। 1999 के चुनाव में सांगवान ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजी लाल शर्मा को हरा दिया। साल 2004 में बीजेपी के किशन सिंह सांगवान ने कांग्रेस के धर्मपाल मलिक को हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। तो वहीं 2009 के चुनाव में कांग्रेस के युवा चेहरे जितेंद्र मलिक ने बीजेपी के किशन सिंह सांगवान को शिकस्त दे दी। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए रमेश कौशिक ने कांग्रेस के जगबीर मलिक को शिकस्त दी। आपको बता दें कि इस सीट पर लगभग 15,27,000 वोटर हैं, इनमें से करीब 5,20,000 जाट वोटर हैं और ब्राह्मण वोटर 1,90,000 के करीब हैं। तो वहीं रविदास बिरादरी के 1,40,000 वोटर हैं, 60,000 वाल्मीकि समुदाय से हैं। पंजाबियों का वोट लगभग 1,10,000 है और बनिया समुदाय 80,000 के करीब है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के सांसद रमेश कौशिक के सामने बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि चुनावी मैदान में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उतर आए और इन्हीं कारणों से सोनी
पानीपत सीट पर चुनाव पूरी तरह से जातीय समीकरण में उलझ गया। कांग्रेस से दो बार सीएम रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे तो बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद रमेश कौशिक पर दांव खेल दिया, तो जजपा ने भी अपने युवा नेता और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को प्रत्याशी बना दिया। इनेलो ने सुरेंद्र चिकारा और लोगों ने राजबाला सैनी को चुनावी मैदान में उतारा। सोनीपत के लोकसभा सीट के मुद्दों पर नजर डालें तो दिल्ली के नजदीक होने के कारण मेट्रो ट्रेन को लाना, ट्रेनों का ज्यादा से ज्यादा सोनीपत में रुकना, जीटी रूट से होते हुए शहर से बाहर से रोहतक रोड के लिए बाईपास बनाना, पीने के पानी की समस्या को दूर करना, किसानों की समस्या को दूर करने के साथ ही फसलों के दाम बेहतर दिलाना, इसके साथ ही नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण का काम जल्दी से जल्दी निपटाना, इन सब नेताओं के सामने बड़ी चुनौती था। लेकिन जाटलैंड के प्रभाव वाली दूसरी महत्वपूर्ण सोनीपत सीट, जिसके अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बीते 20 सालों के दौरान 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और सबसे लंबे वक्त तक बीजेपी के किशन सिंह सांगवान सांसद रहे। ऐसी सीट पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी प्रत्याशी रमेश चंद्र कौशिक ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को करारी शिकस्त दे डाली। सोनीपत लोकसभा सीट हरियाणा का जीटी रोड पर स्थित, अगर ये कहा जाए कि हरियाणा की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित करती है और राजनीति का गढ़ समझी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सोनीपत लोकसभा सीट वो सीट है जिसके अंदर दो जिले हैं, सोनीपत और जींद, 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, और उस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाट कम्युनिटी के लोग ज्यादातर वहां चुनाव जीतते रहे। सोनीपत एक वो लोकसभा सीट है जहां से कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अरविंद शर्मा ने एक बार जीत दर्ज कराई थी, और सोनीपत वो लोकसभा सीट है जिसने बड़े बड़े धुरंधर को राजनीतिक रूप से शिकस्त देने का आंखों देखा नजारा देखा। 2019 के लोकसभा चुनाव पर ही जाएं तो हरियाणा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन प्रत्याशी कौशिक के सामने चुनावी रूप से शिकस्त खा गए जो कभी उनके सहयोगी हुआ करते थे। कांग्रेस छोड़कर रमेश चंद बीजेपी में गए थे 2014 के चुनाव से पहले, और 2014 में भी सांसद बने और 2019 में भी सांसद बने। 2019 में जब सांसद बने रमेश चंद तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनावी शिकस्त दी, चुनावी पटखनी दी, और थोड़े बहुत अंतर से नहीं दोस्तों, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से वो चुनाव जीते। ये बात दीगर है कि जब मात्र लगभग 6 महीने बाद हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हुए तो उसी सोनीपत लोकसभा सीट जिसके अंदर की 9 विधानसभा आते हैं, उन 9 विधानसभाओं में से 5 पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते, 1 पर जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता और 3 भाजपा के खाते में गई। यानी कि जुलाना से जेजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीते, और अगर आप देखें तो हम जींद, राई और गन्नौर, इन 3 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते, और इसके बाद में सोनीपत, सफीदो, बरोदा, खरखोदा और गोहाना, इन 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस के विधायक चुने गए। तो आप समझ रहे होंगे कि जनता का मूड जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो था वो विधानसभा में नहीं रहा, और इसकी एक वानगी भर है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनावी जीत दर्ज कराने वाले उस लोकसभा चुनाव के अंदर 78 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 40 सीटों पर सिमट गई। खैर, हम बात कर रहे हैं आपसे सोनीपत की। सोनीपत ने राजनीति के नए नए रंग देखे हैं और लोगों को दिखाए हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि जहां से चौधरी देवीलाल के नाम पर भी प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस का भी कभी ये गढ़ रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव तक अगर देखें तो यहां से चौधरी देवीलाल भी सांसद बने, यहां से धर्मपाल मलिक भी सांसद बने, और एक यहां पर जो सोनीपत के अंदर एक प्रयोग भी किया गया, किशन सिंह सांगवान सांसद हुआ करते थे लोकदल के, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बहुत नजदीक हुआ करते थे, 1996 में चुनाव जीते थे, और उसके बाद में जब वहां बदलाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जब गठबंधन हुआ, 5-5 सीटों पर जब मिलकर चुनाव लड़ने की बात चली तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने किशन सिंह सांगवान को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया, और चौधरी देवीलाल की पाठशाला के जो छात्र रहे थे किशन सिंह सांगवान, बाद में भाजपा में जाके ऐसे भगवामय हुए कि आज तक उनका परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति करता है। किशन सिंह सांगवान जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 बार वहां से सांसद बनके एक नया अध्याय शुरू किया था। सोनीपत लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है
कि जहां पर राजनीति के, मैंने आपको पहले भी बताया कि नए नए प्रयोग होते हैं, और वो एक नया प्रयोग था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि हुड्डा जी की चुनाव लड़ने की लगता नहीं है कोई इच्छा थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ने दोनों बापू बेटा उधर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक में उतार दिया, उधर दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतार दिया, और उस चुनाव में दोनों पिता पुत्र दोनों चुनावी शिकस्त खा गए। कहते ये भी है कि अगर पिता पुत्र में से कोई एक चुनाव लड़ता तो कांग्रेस के हाथ में एक सांसद जरूर आ जाता। खैर ये पुरानी बातें हैं, और बातें हैं तो बातों का क्या, लेकिन बातों का ये है कि जब राजनीतिक चर्चाएं होती हैं तो पुराने समीकरण के आधार पर नई बुनियाद गढ़ी जाती है, नए समीकरण लिखे जाते हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो रमेश चंद कौशिक लगातार दूसरी बार सांसद हैं, लेकिन पिछले दिनों कई बार ऐसी चर्चाएं चलती रही कि रमेश चंद कौशिक का कुछ भाजपा में मन कम लग रहा है। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ प्रोग्राम भी किए, मुख्यमंत्री के साथ नजर भी आई, लेकिन इसके साथ साथ वो नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी में भी, और ये माना जाने लगा कि कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक तो नहीं जा रहे रमेश चंद कौशिक। क्योंकि राजनीति के अंदर संभावनाएं कभी खत्म नहीं हुआ करती, राजनीति के अंदर संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं, और राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। और अब जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहा है, ऐसे में क्या सोनीपत के अंदर कुछ नए समीकरण बनेंगे, इस पर सभी सियासतदान नजर रखे हुए हैं। क्या रमेश चंद कौशिक जो लगातार दो बार से सांसद हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर तीसरी बार भी भरोसा जताते हुए टिकट देगी, या रमेश चंद कौशिक खुद भी कोई अपना मन बदल सकते हैं? पिछले दिनों ये चर्चाएं भी थी। अगर आपको बताएं तो रमेश चंद कौशिक चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकार के वजीर रहे हैं, उससे पहले विधायक रहे हैं, बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीक रहे, कांग्रेस में रहे, और कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा में दो बार सांसद बने। लेकिन पिछले दिनों इस प्रकार की चर्चाएं थी कि रमेश चंद कौशिक वापस विधायक बनना चाहते हैं, वापस प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कभी अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन चर्चाएं तभी शुरू होती हैं जब उनमें कोई, कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब चिंगारी होती है, तो कोई ऐसी चिंगारी जरूर थी, और मान लिया जाए कि वो चिंगारी का ही रूप था जब रमेश चंद कौशिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर पिछले दिनों मांगी के प्रोग्राम में गए। और कहते हैं कि मांगी का जो प्रोग्राम होता है, मकर संक्रांति का जो प्रोग्राम होता है, वो रूठे और मनाने, रूठों को मनाने का प्रोग्राम हुआ करता है, और उस कार्यक्रम के अंदर वहां दिखे थे रमेश चंद कौशिक जी। अब बात करें अगर कांग्रेस की, तो ये मान लिया जाए कि भले ही लोकसभा का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे, लेकिन सोनीपत जिले के अंदर जिस प्रकार का भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का असर है, और विधानसभा चुनाव में वो दिखाई भी दिया, और उसके बाद में जब विधानसभा का एक उपचुनाव हुआ तब भी दिखाई दिया, तो उसके बाद मान लिया जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर भी कम नहीं है। और इस समय जबकि दो बार की एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ अपना जलवा अलग भी दिखाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, आज के जो हालात हैं, क्योंकि राजनीति में बात जब की जाती है तो वर्तमान हालात को लेकर की जाती है, और वर्तमान हालात के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में सबसे अधिक प्रभावशाली नेता हैं पूरे हरियाणा के अंदर, और जब लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी तय किए जाएंगे तो सबसे बड़ी जो उनके अंदर सहमति होगी, अगर ये कहा जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की होगी, तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको वो चाहेंगे अपना प्रत्याशी बना देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अगर कोई प्रत्याशी बदलने की बात चलती है तो चेहरों पर चर्चा तो होगी। हालांकि आज कोई ऐसे चेहरे सामने नहीं आ रहे, लेकिन भाजपा के अंदर भी मोहनलाल शर्मा जैसे सरीखे लोग हैं जो लगातार दूसरी बार विधायक हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनका अपना असर है। और इसके साथ साथ किशन सिंह सांगवान के सुपुत्र भी पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे लोकसभा का, हालांकि पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया था। लेकिन जब भविष्य की राजनीति होगी और जब 2024 का चुनाव होगा, एंटी इनकम्बेंसी को भी दबाने की बातें चलेंगी, तो चेहरे बदले जाएं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बात करें दूसरी पार्टियों की, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर कहें तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी वहां पर अपना असर नहीं दिखा पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश चंद कौशिक का मुकाबला था, तो उनके मुकाबले चुनाव लड़ने के लिए जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला खुद मैदान में कूदे थे। दिग्विजय चौटाला ने आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन था और गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन दिग्विजय चौटाला 1,00,000 वोट भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। आगे बढ़ने से पहले आपको 2019 का लोकसभा का चुनाव का परिणाम ही बता दें कि रमेश चंद कौशिक को 5,87,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
उनको 4,22,800 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर रहे थे जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला, उनको 51,162 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर वह निर्दलीय रही थी राजबाला सैनी, 35,046 वोट मिले थे। और पांचवें नंबर पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी रहे थे, 9,149 वोट प्राप्त हुए थे। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्योंकि जो सोनीपत है वो जाटलैंड है और कभी चौधरी देवीलाल के प्रभाव की सीट रही थी और बाद में कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज दबदबा है, लेकिन जब 2024 का चुनाव लोकसभा का होगा उस चुनाव में किस प्रकार के परिणाम आएंगे इसको यही देखकर समझा जा सकता है कि मुख्य मुकाबला तो अब भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति दिखाई देती है वो आमने सामने की टक्कर की दिखाई देती है। अन्य पार्टियों के समझौते होने की भी संभावनाएं हैं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता तो कई बार दबी जबान में बात कहा करते हैं कि एक महागठबंधन होगा, समझौता होगा, समझौते के तहत चुनाव होगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार इसके जवाब में ये कहा करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर चुनाव में किसी प्रकार के कोई गठबंधन ना हुए तो जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, बीएसपी है, जननायक जनता पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, वो अपना कैसा असर दिखाएगी इस पर भी चुनाव परिणाम काफी हद तक प्रभावित करेगा। किस प्रकार के ये वोट कटवा होंगे या अपने किसी प्रत्याशी को मजबूती से उतारकर मुकाबले में भी आ जाएंगे, ये सब भविष्य गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार की हवाएं चल रही हैं वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की आहट जरूर दे रही हैं, और इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए, वापस 10 की 10 लोकसभा सीटें पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाएगी, क्या पुरानी रणनीति जिसके तहत की भाजपा प्रत्याशी बहुत जल्दी बदला करती है, प्रत्याशी बदल कर नए घोड़ों पर रथ तैयार किए जाएंगे और या फिर पुराने सारथियों पर भरोसा किया जाएगा, ये सब भविष्य गर्भ में है। क्या होगा, कैसा होगा और किस प्रकार के चुनाव होंगे ये आने वाले समय में, जिस प्रकार की चुनावी रंगत होंगी हम आपको उससे रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि प्रदेश के राजनीतिक हालात किस किस प्रकार के बदलते रहेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।